कि आपने कभी ट्रैकिंग, पैराग्लाइडिंग, स्कूबा डाइविंग या ऐसा कोई भी एडवेंचर स्पॉर्ट किया है। अगर नहीं किया होगा तो आई एम श्योर करने का दिल जरूर करता होगा। पर कोई भी एडवेंचर स्पॉर्ट करने से पहले हम सेफ्टी गियर्स जरूर पहनते हैं, सेफ्टी इक्विपमेंट्स कैरी करते हैं। क्यों? लाइफ रिस्क मिटिगेट करने के लिए। उसी तरह आज हम बात करेंगे स्टॉक ट्रेडिंग में भी रिस्क मिटिगेशन के बारे में। आई एम स्मिथ ठक्कर एंड दिस इज एस्प्रेसो बूट कैंप। हियर यू विल लर्न स्किल्स दैट विल हेल्प यू टू नेविगेट योर स्टॉक मार्केट जर्नी। हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आप जानोगे कि स्टॉक मार्केट में रिस्क मिटिगेशन क्या है और ऐसी टेक्निक्स के बारे में जिनसे रिस्क को कम किया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपने एक फेमस लाइन तो सुनी ही होगी, अ पेनी सेव्ड इज अ पेनी अर्नड। यानी अगर आप रिस्क को मैनेज करें तो आप अपना कैपिटल सेफली ग्रो कर सकते हैं। इसीलिए यू नीड टू प्लान फॉर एवरी रिस्क। लेट्स लुक एट थ्री वेज थ्रू विच यू कैन बेटर मैनेज योर रिस्क। नंबर वन, लॉस होने का सबसे कॉमन रीजन है लैक ऑफ डिसिप्लिन। सक्सेसफुल ट्रेडर्स डोंट मेक मनी बिकॉज दे गेट ईच ऑफ देयर स्टॉक कॉल्स राइट। दे मेक मनी बिकॉज दे हैव अ क्लियर सिस्टम थ्रू विच दे कैन ट्रेड। सक्सेसफुल ट्रेडर्स का सिस्टम उनको बताता है कब ट्रेड करना है, कहां लॉस लेना है और कितना कैपिटल इस्तेमाल करना है। नंबर टू, अवॉइड बिलीविंग इन रूमर्स। आजकल हम देखते हैं कि सोशल मीडिया पर काफी सारी ट्रेडिंग कॉल्स आती है। आपको आइडियली खुद के एनालिसिस, ट्रेंड्स और लर्निंग्स के बेसिस पे ही ट्रेड करना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सोशल मीडिया के कॉल्स को फॉलो करके आप लखपति बन सकते हो, बट अगर आप पहले से करोड़पति है तो आप लखपति जरूर बन जाओगे। नंबर थ्री, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। ट्रेडिंग में सक्सेसफुल बनना एक स्लो प्रोसेस है, जल्दी ग्रो करने की लालच में ना पड़े। ट्रेडिंग हमेशा पेशेंस एंड कूल माइंड के साथ करें। अपने एक्शंस को रेगुलर बेसिस पे एनालाइज करें और मार्केट ट्रेंड्स को देखें। इन सब में एक वेल प्लान स्ट्रेटेजी बना के ट्रेड करें। नंबर फोर, लॉस इज पार्ट ऑफ द गेम। दुनिया में ऐसा कोई ट्रेडर नहीं है जिसने कभी भी लॉस सफर नहीं किया हो। इनफैक्ट एक्सेप्टिंग दैट लॉसेस आर अ पार्ट ऑफ द गेम इज व्हाट सेपरेट्स गुड ट्रेडर्स फ्रॉम बैड वंस। आपको सारे ट्रेड्स पर स्टॉप लॉस लगाना है एंड स्टॉप लॉस हिट करते ही यू विल एग्जिट योर ट्रेड। आप अपनी रिस्क एपेटाइट के हिसाब से स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, जिससे एक लेवल के बाद आपका ऑर्डर सेल हो जाएगा और आप बड़े लॉस से बच जाएंगे। यू विल अंडरगो अ लॉट ऑफ इमोशंस व्हेन यू स्टार्ट ट्रेडिंग, बट देयर इज ओनली वन इमोशन दैट यू विल फील इफ यू ट्रेड विदाउट अ स्टॉप लॉस। इसके अलावा रिस्क कंट्रोल करने के लिए एक और टेक्निक है जिसको बोला जाता है हेजिंग। इन स्ट्रेटेजीज के बारे में हम बाद में जानेंगे, बट हेजिंग के थ्रू आप अपने मैक्सिमम लॉस को डिफाइन कर सकते हैं। आई होप आज की वीडियो में आपको रिस्क मिटिगेशन की कुछ टिप्स एंड टेक्निक्स सीखने को मिली होगी और आप इन्हें जरूर अप्लाई करोगे। स्टे ट्यून्ड एंड वॉच आवर वीडियो सीरीज एस्प्रेसो बूट कैंप। टेल अस व्हाट यू थॉट ऑफ दिस वीडियो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। सी यू विद अनदर टॉपिक फ्रॉम द फैसिनेटिंग वर्ल्ड ऑफ स्टॉक्स। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.